तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग की फर्स्ट प्रोजेक्ट की। जी हाँ, फर्स्ट प्रोजेक्ट हम बात करेंगे। शुभम अग्रवाल जी प्लीज रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लें। तो फर्स्ट प्रोग्राम आज हम बनाने जा रहे हैं कि, और जैसे कि हमने इसकी रिकॉर्डिंग हमने कल भेजा था, फिर भी मैं एक बार बता दूं कि प्रोग्राम क्या है। बेसिकली हमारे पास एक फाइल है, एक सॉफ्टवेयर है जिसका डेटा हमें डेली बेसिस पे डाउनलोड करना पड़ता है। ध्यान से प्रोजेक्ट को सुनिएगा, बहुत ही अच्छी प्रोजेक्ट है और सिंपल है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सॉफ्टवेयर है जहां से मुझे एक फाइल को डाउनलोड करना पड़ता है, सिर्फ डेटा डाउनलोड करना पड़ता है, बट जो सॉफ्टवेयर है वो जस्ट बटन पे क्लिक करते ही मेरा एक्सेल फाइल को डाउनलोड नहीं करता है। उसके लिए क्या करना होता है, हमें उसको एक फाइल का पाथ देना पड़ता है कि भाई इस फाइल में डेटा चाहिए, फिर उस फाइल में डेटा को लेके डाल देता है। तो हमें क्या करना होता है कि एक लोकेशन में, जैसे कि मान लीजिए कि हम ई ड्राइव में ही 2021 का फोल्डर क्रिएट करते हैं, 2021 के फोल्डर के अंदर जो मंथ चल रहा है उस मंथ का फोल्डर क्रिएट करते हैं, उसके अलावा उस दिन का फोल्डर क्रिएट करते हैं, जैसे आज 4 फरवरी है तो 4 का फोल्डर क्रिएट करेंगे और उस 4 के फोल्डर के अंदर में हम यहाँ पे 4 नाम का फाइल क्रिएट करेंगे। एज ए सॉफ्टवेयर में वो रन करने वाला ऑप्शन, डाउनलोड करने वाला ऑप्शन रन करेंगे तो वो इस फाइल में आके डेटा को राइट कर देगा। तो डेली बेसिस पे हमें क्या होता है कि ये फाइल क्रिएट करनी पड़ती है। अगर फोल्डर है तो ठीक है, नहीं तो क्रिएट करना है मंथ का, डे का, ईयर का। तो हम एक माइक्रो बना रहे हैं जिसको रन करते ही ऑटोमेटिकली हमारा फाइल जो है क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन कॉल कर लें। साथ में अगर वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की सीक्वेंस सीरीज चाहिए तो मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है। सुरेंद्र जी मैं आपको रिकॉर्डिंग की परमिशन दे देता हूं। अब मैं यहाँ पे सब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पे मैं फोल्डर सीआरटी के नाम से हमने एक माइक्रो बनाया। सबसे पहले मुझे चाहिए कि मैं 2021 फरवरी और आज का डेट कैसे निकालूं। तो एक्सेल के अंदर में आपको अगर सिस्टम डेट चाहिए होता है तो क्या करते थे, टुडे का फॉर्मूला अपनाते थे ना। टुडे क्या करता था, करेंट सिस्टम डेट आपको शो करता था। टुडे जो है हमारा करेंट सिस्टम डेट शो करता है। अब मुझे इसमें से अगर ईयर चाहिए तो हम ईयर का फॉर्मूला लगा लेते थे, मंथ चाहिए तो हम मंथ का फॉर्मूला अलग कर लेते थे और डे चाहिए तो हम डे का फॉर्मूला लगा लेते थे। सेम फॉर्मूला हम वीवीए में भी लगा सकते हैं। हम अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे डेट किया तो टुडे का फॉर्मूला यहाँ पे डेट हो जाता है। हमने डेट किया तो डेट स्टोर कहाँ पे करेगा, जैसे कि हमने कल बताया था शुभम जी आपको कि अगर कोई फंक्शन या कोई प्रॉपर्टी लगता है तो इन्फॉर्मेशन देता है, वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर कहाँ करना है वो डिसाइड करना। तो यहां पे हम करते हैं मान लीजिए कि y यहां पे y इक्वल टू ईयर, ईयर के अंदर में डेट देते हैं। तो डेट क्या करेगा, सिस्टम फॉर्म सिस्टम डेट देगा और ईयर उसमें से ईयर निकाल के y को दे देगा। ऐसे ही मंथ के लिए हमने यहां पे इक्वल मंथ का फॉर्मूला लिया और इसके अंदर हमने डेट को डाल दिया। ऐसे हम डी के यहाँ पे डे का फॉर्मूला लेते हैं और इसके अंदर हम डेट डाल देते हैं। अभी जो है 2021 जो है वाई पे स्टोर हो गया, टू जो है एम पे स्टोर हो गया और डी के ऊपर क्या स्टोर हो गया, डी के ऊपर स्टोर हो गया हमारा डेट। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें।
बात करते हैं कि फोल्डर को क्रिएट करने का कोड क्या होता है। अगर हम फोल्डर को क्रिएट करते हैं तो फोल्डर क्रिएट करने का क्या होता है? तो उसके लिए क्या करेंगे हम यहां पे? mkdir make directory, और मुझे कहां फोल्डर क्रिएट करना है? मुझे फोल्डर क्रिएट करना है ई ड्राइव में। तो मैं यहां ई ड्राइव में आऊंगा और ये डाल दूंगा 2021। आप देखेंगे कि ये 2021 का फोल्डर क्रिएट कर रहा है। मैं रन करके दिखाता हूं आपको। तो ये आप इस फोल्डर में देखें, 2021 का फोल्डर यहां नीचे क्रिएट हो। प्रॉब्लम है कि 2021 तो हमने मैनुअल लिख दिया, हमें तो वाई से 2021 को उठाना था ना। क्या सर? जी हाँ, सही, आपने सही समझा, सही सुना। हम क्या करेंगे, हम यहां पे इस वाई इसको डिलीट करेंगे और डायरेक्ट ऐसा नहीं कि इसमें वाई इस तरह से लिख दे, गलत हुआ, क्योंकि तब तो वाई नाम का ही फोल्डर बना दे, क्योंकि इन्वर्टर कॉमा में है ना सर। इसलिए यहां पे हम कॉन्केटेनेट करेंगे वाई। अब मुझे मान लीजिए कि 2020 के अंदर ये क्या करेगा, मैं यहां पे सिंदूरपुर में लिख देता हूं, 2021 देगा, ठीक है। अब मुझे मेक डायरेक्टरी दूसरे फाइल के अंदर 2021 के अंदर मुझे टू नाम का फोल्डर बनाना है। मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्केटेनेट करना पड़ेगा। अब स्लैश भी तो चाहिए हमें, स्लैश को कॉन्केटेनेट करना पड़ेगा, एंड हमने कर दिया एम को। अब क्या करेगा, 2021 के अंदर टू नाम का फॉर्मूला क्रिएट कर देगा। अब मुझे डे के लिए चाहिए तो मुझे इसमें स्लैश फोर चाहिए, तो यहां पे इस तरह बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने स्लैश दिया एन परसेंट और हमने डी दे दिया, ठीक है। तो आपका फोर बन गया। तो इस पे अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये फोल्डर क्रिएट कर देगा, कर दिया फोल्डर क्रिएट 2021, इसके अंदर दो, इसके अंदर चार और यहां पे। अब फाइल सेव करना है, लेकिन फाइल सेव करने से पहले बता दूं कि ये तो सिर्फ एक बार चलेगा, सेकेंड टाइम जैसे रन करूंगा दिक्कत देगा, फाइल पाथ एक्सेस एरर। क्यों? क्योंकि एक ड्राइव में एक नाम के दो फोल्डर तो नहीं क्रिएट हो सकते सर। नहीं, इस पे ऐसा नहीं हो सकता, अलग अलग उसको ढूंढना पड़ेगा, तरीका अलग तरीका है उसका, वो आगे बताऊंगा आपको। फिलहाल मुझे मुझे क्या करना था, हमने बताया था आपको कि अगर फोल्डर है तो क्रिएट करना है, अगर नहीं है तो स्किप कर देना है, सॉरी, फोल्डर अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो क्रिएट नहीं करना है, स्किप कर देना है, और नहीं है तो क्रिएट करना है। तो जब अगर एरर आता है तो एरर के समय एक कोड चले ही नहीं, उसके लिए एक कमांड होता है जो आप वहां ऊपर लिखेंगे, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। मैं इसको रन करता हूं, तो अब रन करने पे आपको एरर नहीं दिखेगा।
अगर जिस लाइन में एरर होगा, जिस स्लाइड में एरर है इसको स्किप कर दें। एरर क्यों होगा? अगर ऑलरेडी फाइल बनी होगी तो एरर होगा ना सर, ठीक है? जो वीडियो में यूट्यूब पे देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है जहां पे आपको सारे कोर्सेज की सीक्वेंस में वीडियो मिलते हैं, पूरा ए टू जेड, बेसिक टू एडवांस। तो नीचे देखिए लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। अब यहां पे हमें फाइल बनाना है, तो यहां लिखते हैं वर्क बुक्स डॉट एड, और यहां हमें फाइल का पाथ चाहिए, हमने पाथ को ले लिया। फिर हमने एन परसेंट फाइल का नाम भी तो चाहिए, स्लैश, पहले स्लैश देंगे, एन परसेंट डी, और यहां पे डॉट एक्सेल, ये क्या बनेगा? ए बनेगा कि स्लैश फोर डॉट एक्सेल सेक्स, ये फाइल क्रिएट हो जाएगा। और फाइल क्रिएट हुआ है तो हमें इसको क्लोज भी तो करना है। यहां पे एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज, साथ क्लोज, इसको एक बार रन करता हूं, रन किया, एक डॉट सेव एज करना था ना, भूल गए थे। अब इस फोल्डर में देखें एक फाइल आ गया सर। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर फाइल में मुझे डी नहीं चाहिए, मुझे पूरा का पूरा डेट चाहिए। अगर आप यहां डी के जगह पे मान लीजिए आपने डेट कर दिया तो आपका एरर देगा। एरर क्या देगा? यहां पे देखिए एरर देगा, क्योंकि फाइल के अंदर जो पाथ है वो पाथ को ए दे ही नहीं सकता, मतलब स्लैश पाथ में आ ही नहीं सकता है, समझे? तो फाइल नेम एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, बट आपको चाहिए डेट, डेट आपको चाहिए डेट। तो कैसे डेट आएगा? तो उसके लिए मैं यहां पे दूंगा फॉर्मेट, यहां पे हम दिया डिपल डी 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 डैश एम एन एम डैश एन वाई वाई। फॉर्मेट फॉर्मूला क्या है? जैसे आपके एक्सेल में टेक्स्ट फॉर्मूला होता है ना, मैंने टेक्स्ट का फॉर्मूला बताया था कि टेक्स्ट आप डी डी स्लैश एम एन एम स्लैश वाई वाई करते हैं, तो टेक्स्ट फॉर्मूला वीवीए को सपोर्ट नहीं करता है, बट वीवीए में खुद का फॉर्मेट फॉर्मूला है जो कि बिल्कुल टेक्स्ट फॉर्मूले की तरह वर्क करता है। सॉरी एक मिनट, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप प्रोग्रामिंग लिखिएगा लोअर केस में या अपर केस में, प्रॉपर में मत लिखिएगा। अभी देखिए इस पे स्पेलिंग मिस्टेक है, तो क्या हुआ कि ये अपर केस का अपर केस ही है। जैसे ये करेक्ट फॉर्मेट में आएगा, देखें ये आपका टाइटल केस में चला गया। जैसे टाइटल केस में जाएगा इट मीन्स यो आपका सही है कोड। मैं एक बार इसको रन करता हूं, ओके सर। अब जैसे कि ये बता रहे थे शिवम जी की सेव एज में उनको दिक्कत हो रहा, राइट? तो सेव एज का कोड थोड़ा सा अलग होता है, सेव एज, सॉरी सेव एज डॉट एक्सएलएस एम, मतलब कि अलग फॉर्मेट में। तो क्या होता है कि अगर आप डिफरेंट फॉर्मेट में फाइल को सेव करते हैं, एक्सेल वर्कबुक में हमने सेव कर लिया बुक थ्री के नाम से डॉक्यूमेंट में, तो उसका कोड थोड़ा सा अलग होता है।
क्या होता है कोड मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूं। देखिए एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव फाइल नेम में आप पूरा पाथ दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहां पे आपको फाइल फॉर्मेट देना पड़ता है, ये चीज समझे समझी समझी। अब जब आप दिया, जब आप सेव एज करते हैं ना सर, तो सेव एज करते समय फाइल नेम और फाइल फॉर्मेट आता है, तो आप यहां पे फाइल फॉर्मेट देना पड़ेगा। और इसका फाइल फॉर्मेट क्या है, ये आ गया माइक्रो अनेबल वर्कबुक, ठीक है। नहीं नहीं आई थिंक नहीं आता है, ये आपको लिखना पड़ता है। जैसे एक बार देख लीजिए ना, आप यहाँ पे जैसे स्पेस दिए आ गया, और मैं यहाँ पे कॉमा देता हूँ, नहीं आया ना सर। आपको देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, आता नहीं है सर लिस्ट। और आप एक्सेल हेल्प में जाते हैं, फाइल नेम के बाद फाइल फॉर्मेट देंगे। और दूसरी चीज है कि अगर आप इस पे एक्सेल हेल्प में सर्च करें फाइल फॉर्मेट, या फिर जो सेव एज वाली जो प्रॉपर्टी थी उसको देखेंगे, तो आपको वहां पे उसका सारे फाइल फॉर्मेट दिख जाएंगे। मैं दिखा देता हूं, ओपन हो रहा है। जो यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख रहा है, एक से एक बार उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अभी तक नहीं किया है तो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे मोबाइल ऐप का लिंक है, प्लीज ऐप को डाउनलोड कर ले। ऐप में सारे कोर्सेज की वीडियो सिक्वेंस भी दी गई है। तो यहां आप वीवी रेफरेंस पे आते हैं, और यहां पे मॉडल ऑब्जेक्ट, और हमने बोला था वर्कबुक, तो नीचे होगा वो डब्ल्यू से है, उसके ए है, वर्कबुक्स नहीं वर्कबुक, वर्कबुक में आइए, वर्कबुक में आपको सेव एज बिफोर क्लोज, हाँ सीट 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 सेव एज मेथड में होता है, आई थिंक प्रॉपर्टी में नहीं होगा यहाँ पे थर्ड में, यहां पे देखा एक्सेल फाइल फॉर्मेट, एयर फाइल फॉर्मेट, ठीक है सर। ये आपके यहां पे XML का और XLS का, XLSX का डिफॉल्ट फॉर्मेट है, सारे फॉर्मेट यही पे दिख रहे हैं, XLS, TM, टेम्पलेट, टेम्पलेट का है XLSX, XLSM, XLSAM है, ये सारे फॉर्मेट दिख रहा होगा सर आपको, ये फाइल टाइप आप वहां पे दे सकते हैं। लेकिन इसको देखने से अच्छा है कि रिकॉर्डिंग ही कर ले, रिकॉर्ड करके देख ले क्या, इसलिए तो मैं बताया था आपको रिकॉर्डिंग कर। ओके तो मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ पूछे, देखिए अब तो आपकी एप्लीकेशन कौन सा एक्सेल है आपके पास, नहीं तो उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। 2007 में कुछ ऐसे एक्सेल के वर्जन से उसमें क्या होता है कि वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते हैं कि डिम वाई एज ए, आप इसमें ये कर ले फिर तो आप वेरिएंट कर ले, ठीक है ना, दिक्कत आता है तो डिम वेरिएंट कर ले, वेरिएंट सिर्फ वेरिएंट कर ले, बाद में कि मैं आगे क्लास में समझाऊंगा कि वेरिएबल क्या होता है, ठीक है।
लेकिन बहुत सारे कुछ ऐसे वर्जन्स है एक्सेल के, कुछ ऐसे वर्जन्स हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन मोस्टली हो जाता है सब। सर बात तो सही है ना, वो इसी तो सही बात है, एक नाम के दो फाइल थोड़ी क्रिएट करेगा। जी, फिर अगर आपको चाहिए कि बार बार रन करना है ना, फाइल नेम में कोई सिक्वेंस देना पड़ेगा ना, पहले यार ढूंढना पड़ेगा कि एक कंडीशन, पहले यार ढूंढना पड़ेगा कि क्या ये इस लोकेशन में इस फाइल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर करता है तो उसका फिर 2 3 4 5 ऐसे सिक्वेंस पढ़ाना होगा, तो आगे क्लासेस पढ़ाऊंगा, अभी इसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, उसमें इफ कंडीशन अगर यूज किया जाएगा। या फिर अगर आपको ये चाहते कि प्रीवियस फाइल को डिलीट कर दे, नया बनाए, तो आप यहाँ पे किल का फॉर्मूला अप्लाई कर दे, किल और यहाँ पे डाल दे, समझे? इससे क्या होगा कि जैसे आप रन करेंगे तो आपका रन होगा, चल गया, उसने क्या किया प्रीवियस फाइल को डिलीट कर दिया, नया फाइल डाल दिया, ठीक है। नहीं, नेक्स्ट डे तो फिर फोल्डर चेंज हो जाता है ना, ओके बाय। जी, सेम लोकेशन में।